सो हेलो फैमिली, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन एंड हेल्दी। बहुत ज़्यादा धूप है आज का। आज का लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। अभी हम जा रहे हैं लाइट वेट के घर। हम लोग क्यों जा रहे हैं? उसका एक गिफ्ट आया है, उसका एक गिफ्ट आया है जो कि हमको तो पता है क्या है, बट आप लोगों से शेयर करूँगा। आप वहाँ देख रहे होंगे, देखो क्या मस्त आइडिया है हमारा नहीं मतलब हम इंसानों का। गाड़ी भी बच गया धूप से और ये भी सूख जाएगा। तो चलिए गाइस, ये क्रिएटिविटी हम पे ही होता है, मतलब हम इंडियंस पे ज़्यादातर। सो गाइस, अभी हम चलते हैं लाइट वेट के घर, जाके मिलते हैं, उसका गिफ्ट देखते हैं कि क्या आया है। उसके पापा ने दिया उसको गिफ्ट, तो चलिए चलते हैं, फिर हम लोग उसके घर जाके मिलते हैं। हम लोग जा ही रहे थे कि हमको ये खरगोश दिखा, ये रैबिट। ये हमेशा यहीं पर रहता है, यहाँ पर एक मूर्ति बनाने का घर है, मूर्तियाँ बनते हैं और ये यहीं पर रहता है, कहीं जाता भी नहीं है। हर रोज़ मैं जब जाता हूँ तब मैं इसको यहीं पर देखता हूँ। और पता है गाइस, ये लोग क्यों नहीं जाते? क्योंकि इनके अंदर भी दिल है, ये लोग भी समझते हैं प्यार क्या चीज़ होता है, केयर क्या होता है, ये लोग का केयर करते हैं हम लोग। जैसे कि मेरा मोटू है, कभी भी कोई भी चिकन ऐसा घर के अंदर तो रहता नहीं है, जो रोस्टर बोलो, मुर्गी बोलो, कुछ भी। आप लोग देखा होगा कि वो लोग को पकड़ना भी इतना मुश्किल होता है, बट देखिए वो इतना फ्रेंडली हो चुका है, मेरे घर पर रहता है, बिस्तर पर चलता है, मेरे साथ खेलता है। ऐसा कौन सा ऐसे रोस्टर होगा या फिर ऐसा कौन सा मुर्गी होगा जो ऐसे इंसानों के घर पे रहता है? सो ये केयर है। वो चाहता तो भी वो भी भाग सकता था, बट नहीं भागता है क्योंकि उसको यहाँ पे प्यार मिलता है, वो हमसे एक अटैचमेंट हो गया। तो उसी तरह ये खरगोश भी वहीं पे रहता है हमेशा, क्योंकि उसको भी जो ओनर है उनके साथ अटैचमेंट हो गया और वो यहीं पर रहना पसंद करता है। सो गाइस, एनिमल्स भी प्यार डिजर्व करते हैं, वो लोग भी सब कुछ समझते हैं। तो डू केयर योर पैट, योर एनिमल, वट एवर। यहाँ पे भी आपको कोई भी एनिमल मिले तो आप हिट मत कीजिए उसको, गुस्सा मत दिखाइए उस पर, है ना। तो बात करते करते हम लोग आ चुके हैं लाइट वेट के घर। सो लेट्स गो। सो गाइस, हम पहुँच चुके हैं लाइट वेट के घर। तो चलो चलते लाइट वेट। क्या चल रहा है? ये अपना लाइट वेट। सो अपना गिफ्ट कहाँ है? तो ये रहा अपना गिफ्ट गाइस, इसी के अंदर है उसका गिफ्ट। आपको क्या लगता है, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि इसके अंदर क्या हो सकता है? जल्दी सोचिए क्या हो सकता है, आपके दिमाग में क्या आ रहा है? तो इतना टाइम वेस्ट नहीं करके खोलते इसको, है ना। लेट्स गो, चलो इसको खोलो। इन 3 2 1 वाओ। सो ये है एक केशियो। यस। सो ये देखिए गाइस, इसको बहुत पहले से ही लेने का मन था, तो फाइनली आपके पापा ने आपको दे दिया है ना। सो ये देखिए कितना प्यारा सा केशी है यार, काफ़ी बड़ा है ये और बहुत अच्छा है ना, बहुत कुछ फंक्शंस है इसमें, मुझे तो कुछ पता नहीं इसके बारे में। सो अभी सुनाल हम लोगों को कुछ बजा के सुनाएगा, ठीक है? सुनाओगे ना? कब कल आया ना ये? तो अभी हम कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा सीखा, भी जो भी सीखा है वो हमको बजा के सुनाओगे। और मैं एक बात बता दूं कि इसको पहले से गाना वाला बहुत अच्छे से आता है और ये हारमोनियम, हाँ हारमोनियम भी बजाता था, तो इसको थोड़ा बहुत कॉर्ड वगैरह के बारे में पता है। सो लेट्स सी, एक गाना सुनाओ हमको। सपना है कि सबके सपने हेलीकॉप्टर अच्छा हो जाए। आपने सीखा नहीं बिना? मैंने सीखा नहीं, इसलिए थोड़ा गड़बड़ है। नहीं, वही हारमोनियम, ये जो हारमोनियम बजाता था उसके वजह से उसको पता है कि कहाँ पे क्या है ना। हाँ। इस वजह से वो बिना सीख के बजा रहा है। अच्छा ठीक है, आप वो बजाओ हमारा नेशनल एंथम बीट के साथ, है ना। एक बार सुनाया था आपने मुझे कल। ये होगा, ये अभी मजा आएगा ना बिडू। चलो
अभी भारत माता की भी बजाओ, भारत माता की जय। नहीं होता है क्या? देखो ट्राई करो ना, एक आपका बेस्ट सुना दो, जो भी बेस्ट, जो आपको आपने बहुत ही ये सब कॉर्ड वगैरह ये दो, ये कॉर्ड है ना? हाँ हाँ ये कॉर्ड, एडवांस कॉर्ड। ठीक है ठीक है, इसका बजाओ, इसका कुछ बजाओ, ये जो सीख रहे थे आप। अभी ये बजाएगा जो आपको गेस करना है कि क्या, कौन सा ट्यून बजा रहा है, कौन सा गाने का इंट्रो बजा रहा है। ठीक है चलिए, मुझे सबसे अच्छा लगता है जो इसको सबसे अच्छा लगता है। चलो वाह, फिर से बजा लो यार, बहुत अच्छा लगा सुन के, एक बार फिर से। वाह क्या बात है, क्लैपिंग यार, क्लैपिंग। ठीक है ये वाला ट्यून मुझे सिखाओगे? हाँ मुझे सिखाना, मैं कुछ देर, सो मैं अभी कुछ देर ये ट्यून प्रैक्टिस कर लेता हूँ, फिर मैं आप लोगों को सुनाता हूँ, मेरे को तो आता नहीं, फिर लेट्स सी। सो गाइस काफी देर प्रैक्टिस करने के बाद चुनाल ने मुझे थोड़ा सा सिखा दिया है, सो मैं सिर्फ ट्यून बजाऊंगा, मुझे कॉर्ड बजाना तो नहीं आता है, सो लेट्स सी। फिर से अभी एक और बजाएंगे, अभी बजाऊंगा कॉर्ड के साथ। ठीक है कॉर्ड तो मुझे नहीं आता, तो कॉर्ड बजाने में हेल्प करेगा सुनाल। ठीक है आप कॉर्ड बजाना, मैं सिर्फ ट्यून बजाऊंगा। ठीक है इसी से है ना? यस क्या बात है। तो गाइस सभी बिना टाइम वेस्ट करके चलते हैं, मुझे आई होप कि हमारा ये गाने का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। और शिवा आप भी एक बजा के सुनाओ, नहीं कब से शिवा कैमरा लेके पकड़ा हुआ है, अब एक बजा के सुनाओगे, सेम ट्यून बजाओ, आपने तो कल सीखा ना थोड़ा सा, चलो बजाओ। शाबाश। सो गाइस अभी हम चलते हैं, मेरा भी एक पार्सल आया है, तो हम उसको चेकआउट करते हैं क्या है पार्सल में, मसल ब्रिज की तरफ से। सो लेट्स सी, लेट्स गो होम एंड चेकआउट, बाय बाय। चल चल चल, तो अभी हम चलते हैं घर घर जाके, आप अपना जो पार्सल है उसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं उसमें क्या है। सो कमेंट करना गाइस कि आपको कैसा लगा सुनाल ने जो बजाया। ठीक है सो लेट्स गो। सो फैमिली मैं घर पे आ चुका हूँ और अभी टाइम है इस बॉक्स को अनबॉक्स करने का। ये मैंने मंगवाया है मसल बेस की तरफ से, इसमें है क्या है देख लेते हैं, इसमें है प्रोटीन, मेरे मेरे भाई के लिए एक ही मंगवाया है, इसमें है बायोजाइन। देखो ये अनबॉक्स करेगा, अनबॉक्स करोगे? लो अनबॉक्स कर लो, नहीं करना अनबॉक्स, मैं करता हूँ। चलो इसको खोलते हैं अभी और देखते हैं, इसका कुछ सेल चल रहा था इसलिए मुझे थोड़ा डिस्काउंट भी मिला और साथ में एक गिफ्ट भी मिला, देखते हैं इसके अंदर में है कि नहीं वो गिफ्ट। लेट्स सी गाइस, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ये वे, मैंने काफ़ी सारा यूज़ किया है, बट ये मसल ब्रेस का मेरा फर्स्ट वे रहेगा। और गाइस सेल चल रहा था इसलिए काफ़ी सारे ऑफर्स थे और मुझे ये फ़ायदा हुआ कि वाह, ये देखिए गाइस मुझे क्या गिफ्ट में मिला। मैंने सिर्फ वे का पे किया था, जो भी वे प्रोटीन का जितना प्राइस था वो मैंने पे किया, और मुझे देखिए साथ में ये बैग मिला हुआ मसल ब्रेस की तरफ से, काफ़ी बढ़िया बैग है गाइस। देखिए ये देखिए वाह, नाइस बैग, तो काफ़ी अच्छा है, प्रीमियम क्वालिटी का है बैग, नॉट बैड। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा है गाइस ये बैग, इसको मैं जिम के लिए यूज़ करूँगा, जिम तो इसको मैं जिम के लिए यूज़ कर पाऊँगा आराम से। और ये रहा अपना प्रोटीन, और इससे बनेगा हमारा किचन का घर, ये इसके अंदर जाके रहेगी, मैं इसके लिए घर बना दूंगा एकदम मस्त प्यारा सा। ठीक है अच्छा ठीक है, आप अभी नीचे रहो, चलो। सो ये रहा हमारा वे प्रोटीन गाइस, ये मसल बेस की तरफ से बायोजाइन वे प्रोटीन है, क्लिनिकली टेस्टेड है, लैबडोर सर्टिफाइड है, और स्पेशली कस्टमाइज फॉर इंडियंस, ये स्पेशली हम इंडियंस के लिए कस्टमाइज किया हुआ है, इसमें जो भी एंजाइम्स दिया हुआ है बायोजाइम्स
जो इसका नाम है। एंजाइम्स क्या करता है गाइस, एंजाइम्स हमारे बॉडी में प्रोटीन को अच्छे से डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, जो भी हम लोग खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ताकि प्रोटीन का जो सही यूज है, जो मसल बिल्डिंग का यूज है, वो अच्छे से हो पाए। सो काफी अच्छी बात है, इसमें एंजाइम्स है और ये क्लिनिकली टेस्टेड है, इम्प्रूव्स प्रोटीन एब्जॉर्प्शन बाय 50%। देखिए सो काफ़ी अच्छा है। मैं इस वे को लेकर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा प्रोटीन के बारे में, कि प्रोटीन क्या होता है, कि जिसको पता नहीं है प्रोटीन के बारे में, वे प्रोटीन के बारे में जिसको नहीं पता, लोग डरते हैं वे प्रोटीन लेने से। सो मैं इसको लेकर एक वीडियो बनाऊंगा। आज हमारा शोल्डर वर्कआउट है, सो आज वर्कआउट के बाद हम लोग ये लेंगे। आज से मेरा भाई ने पहले कभी वे नहीं लिया, सो वो भी स्टार्ट करेगा इसी से। सो चलिए इसको खोल के देखते हैं कि इसके अंदर में स्कूप कैसा है क्या नहीं। इसको आप स्कैन कर सकते हो, स्कैन इसके बारे में जानने के लिए, प्लस इसके पास वेरिफिकेशन के लिए भी दिया हुआ है, एसएमएस करना आपको इस कोड को इस नंबर पे। हम लोग ये भी चेक करके देख लेंगे। सो चेक कर चुके हम लोग, वेरीफाइड है। अब इसको हम खोलते हैं, इसको वाओ। तो ये लोग ने एक स्कूप होल्डर दिया हुआ है ऑलरेडी, जिसमें एक स्कूप ऑलरेडी रेडी है, आपको बस इसको डालना है और पी लेना है। तो ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा चीज दिया हुआ है ये लोग ने। तो मैं इसको लेकर अगले दिन के लिए भी रेडी करके रख सकता हूँ, जो कि एक अच्छी बात है। सो गाइस, सो इसके बारे में मैं एक अलग सा रिव्यू बनाऊँगा, इसका अच्छे से बताऊँगा इसके बारे में, इसमें क्या क्या है, कितने ग्राम प्रोटीन है। इसमें 76% प्रोटीन है और इसका एक स्कूप है 33 ग्राम का सर्विंग है और 25 ग्राम प्रोटीन मिलेगा इससे आपको एक स्कूप से। इसका ऐड हर वीडियो में देखा होगा, अगर आप लोग फिटनेस रिलेटेड चैनल्स को देखते हो तो हमारा साकित भाई और यश आनंद भाई का एक ऐड है जो बहुत ज़्यादा चल रहा है अभी, इसी वे के ऊपर है। सो गाइस, आज के वीडियो को यही पे एंड करते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही एनकरेज करते रहिए, ऐसे सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय।